लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा तेज हो रहा है, तो वहीं राजनीतिक गलियारों के दिग्गज नेताओं का दौरा शुरू हो गया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ शाह प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, अरुण साव और विजय शर्मा राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति सहित कोर कमेटी की बैठक ली। शहर के महाजनवाड़ी में बैठक का आयोजन की गई, जहां प्रत्याशी सहित भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। राजनांदगांव में 26 अप्रैल को मतदान होना है, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियों के सभी नेताओं ने जिले भर का दौरा शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज अरुण साव भी राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रबंध समिति और कोर कमेटी की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज लोकसभा चुनाव की प्रबंध समिति की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव की तैयारी, आगामी कार्यक्रमों का आयोजन, रचना और चुनाव की पूरी व्यूह रचना आज की बैठक में बनेगी। कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में है। भूपेश बघेल के प्रोटेक्शन मनी वाले बयान पर प्रतिक्रियाएं दी, सुने क्या कहा डिप्टी सीएम ने। राजनांदगांव लोकसभा के प्रबंध समिति की बैठक है और इस बैठक में हमारे प्रदेश के सह प्रभारी, बिहार के कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन जी और हमारे वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी, आगामी कार्यक्रमों की योजना रचना और चुनाव की पूरी व्यूह रचना आज की बैठक में बनेगी। अभी कोरबा लोकसभा की बैठक लेकर आए हैं, राजनांदगांव लोकसभा की बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और आज की बैठक में विधानसभाओं के सम्मेलन, प्रत्याशी के प्रवास से लेके चुनाव की जो आगामी जितनी गतिविधियां होगी, चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए उन सब की चर्चा करके, बातचीत करके योजना रचना की जाएगी। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि गद्दावर मंत्री कमरे में होटल में बैठ कर 30 रुपये प्रति क्विंटल लेवी का पैसा ले रहे हैं। देखिए, भूपेश बघेल जी, जिन्होंने 5 साल छत्तीसगढ़ को लूटा, उनके अनेक अधिकारी, उनके साथी और उन पर स्वयं FIR दर्ज हुआ है, वो दूसरों पर आरोप लगाना बंद करें। भ्रष्टाचार ये कांग्रेस का काम है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर काम करती है और भ्रष्टाचार तो 5 सालों में जिस प्रकार से लूट हुई, उसका जवाब भूपेश बघेल जी को देना चाहिए। साहू जी, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी रोज किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच रहती है, हमारे प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, लगातार वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हमारी मंडल की बैठकें हो गई है, दीवार लेखन का काम तेज गति से प्रारंभ हो गया है, अब विधानसभा के सम्मेलन होंगे, हम तेज गति से चुनाव के अभियान में जुटे हुए हैं। भूपेश बघेल का आरोप है कि प्रोटेक्शन मनी ले रही है महादेव ऐप में बीजेपी, क्या कहेंगे? महादेव ऐप पर किन पर FIR दर्ज हुआ है, ईडी ने जांच करके भूपेश बघेल जी उस पर जवाब दे कि 508 करोड़ रुपए का आरोप उन पर है, असीम राय ने जो कहा है, शुभम सोनी ने जो कहा है, इस पर जवाब देना चाहिए। ये प्रदेश के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश बघेल को नकारा है और राजनांदगांव से भी वो बहरंग लौटेंगे। राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी।